नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे डंपी लेवल। सर्वेइंग में डंपी लेवल क्या होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनता है एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही डंपी लेवल को हम कैसे उपयोग करते हैं। आज के वीडियो में यह समस्त जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे डंपी लेवल क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे डंपी लेवल से संबंधित समस्त जानकारी आप जान पाएं। तो डंपी लेवल आपका सर्वेइंग में या सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। मींस डंपी लेवल जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग हम सर्वेइंग में लेवलिंग के लिए करते हैं। सर्वेइंग में जब भी हम लेवलिंग की बात आती है, तो सबसे पहले याद किया जाता है किसके लिए, डंपी लेवल के लिए। क्योंकि हम लेवलिंग जब करेंगे, तो लेवलिंग आपकी किसी भी ग्राउंड की कर सकते हैं, लैंड पे हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं, रोड की सर्वेइंग कर सकते हैं, आपका जहां पे मल्टी स्टोरेज कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग बन रही वहां पे सर्वेइंग कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे हमको एलिवेशंस या लेवल करने के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो है डंपी लेवल। बिना इसके आपकी लेवलिंग करना आसान नहीं है। तो द डंपी लेवल वाज इन्वेंटेड बाय सिविल इंजीनियर विलियम जी इन 1832। डंपी लेवल जो है इसको विलियम जी ने 1832 में बनाया था या इसका आविष्कार किया था। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल बाय मेकिंग विजुअल रिलेशनशिप, मींस ये जो काम करता है विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स, किसी भी दो बिंदु या दो से अधिक बिंदुओं को देखने के लिए लेवलिंग के दौरान हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, डंपी लेवल का। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप एंड बबल लेवल, किसकी सहायता से, टेलीस्कोप एंड बबल लेवल की हेल्प से। इट इज आल्सो नोन एज सर्वेयर लेवल्स या बिल्डर्स लेवल। इस इंस्ट्रूमेंट को हम सर्वेयर या बिल्डर लेवल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई डंपी लेवल की। मींस डंपी लेवल का उपयोग किस में, सर्वेइंग में हम लेवलिंग के लिए करते हैं। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड इन पार्ट्स से मिलके आपका जो डंपी लेवल है वो कंस्ट्रक्टेड है या बना हुआ है। जैसे कि यहां पे आपका डायग्राम है, तो डायग्राम में डंपी लेवल एक क्या है, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से हम लेवलिंग करते हैं, तो हमको किस किस इंस्ट्रूमेंट की और आवश्यकता पड़ेगी और इसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का हम उपयोग करते हैं किसके लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, किसी भी डिस्टेंस के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रू लाइन ऑफ साइट। मीन्स आप कहीं पे भी सर्वेइंग में आप लेवलिंग कर रहे हो, तो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में एक साइड आपका आईपीस होता है और एक एंड पे आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में मेंशन है ऑब्जेक्ट ग्लास आईपीस। आईपीस से हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टाफ होता है, मीन्स स्टाफ को हम कहीं भी खड़ा करके वर्टिकल सीधा रख के हम टेलीस्कोप से वो देखते हैं, उसकी रीडिंग्स को फाइंड करते हैं। तो जो टेलीस्कोप है, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट थ्रू लाइन ऑफ साइट। और टेलीस्कोप जो होता है, इसको हम होरिजेंटल में टर्न कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मींस ए होरिजेंटल प्लेन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा किसका, टेलीस्कोप की बात हो गई, जिसमें डायफ्राम होता है, क्रॉस बबल होता है, आईपीस होता है और ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। क्रॉस बबल्स या जो हम बबल की बात करें, तो बबल्स हमारे इसमें क्या होते हैं, दो बबल होते हैं। एक बबल कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल बबल और एक कहलाता है आपका क्रॉस बबल।
तो इसको हम सबसे पहले जब क्या करते हैं ट्राइपोड के ऊपर या ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर जब इसको सेट करते हैं तो सबसे पहले सेटिंग के दौरान हमको बबल्स को सेंटर में लाना होता है। बबल्स आप सेंटर में लाओगे तो आप इसके जो लेवलिंग हेड है या फुट स्क्रू है या ड्राइव रेच है इनकी सहायता से सबसे पहले बबल्स को कहाँ पे सेंटर में लाओगे। सेंटर में लाओगे मतलब आपकी इंस्ट्रूमेंट ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर क्या हो गया सेट हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें आपका फोक्सिंग स्क्रू होता है। फोक्सिंग स्क्रू मींस यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है इसमें आपके दो प्रकार के कनकेव लेंस लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम टेलीस्कोप से जब देखते हैं तो जब हमको रीडिंग सही से नहीं दिखती तो इसको हम मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और इसको हम मैग्नीफाई मींस जूम कर सकते हैं। तो जूम भी कर सकते हो और इसको जब तक आपकी विजिबिलिटी सही ना हो, यदि आपकी जो स्टाफ है जिसकी आप रीडिंग मेजर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं टेलीस्कोप से जो हमारा फोकसिंग लेंस होता है फोकसिंग स्क्रू इसको हम एडजस्ट करके प्रॉपर फोकस करते हैं और फोकस करने के बाद हमको रीडिंग दिखाई देती है किस पे, स्टाफ पे या रीडिंग स्टाफ या हम इसको बोल सकते हैं लेवलिंग स्टाफ के ऊपर। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होता है आपका एक होता है कंपास। कंपास का उपयोग करते हैं हम मैग्नेटिक बैरिंग लाइन को फाइंड करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। जब हम डंपी लेवल में क्या होता है कि जैसे कि आपका यहाँ डंपी लेवल है तो डंपी लेवल में सर्कुलर कंपास बना हुआ है, मींस एक सर्कुलर आपका क्या है कंपास लगा होता है किसमें टेलीस्कोप के साथ। ठीक, तो इसका जो यूज होता है मैग्नेटिक बैरिंग लाइन को डिटरमाइन करने में हम उपयोग करते हैं। इसके बाद है आपका ट्राइब्रिज। ट्राइब्रिज इसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट को होरिजेंटल लेवल करने के लिए किया जाता है, मींस आपकी जो ट्राइब्रिज है ट्राइब्रिज में मींस आपके क्या है ट्राई मींस तीन आपके इस तरफ के बोल्ट लगे होंगे और ये जो हमारी प्लेट है ट्राइब्रिज और आपकी जो लेवलिंग हेड है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है ये दोनों प्लेट। तो यहां से हम क्या करते हैं जब सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो इसको हम टर्न करके या घुमा के क्या करते हैं इसके बबल्स को सेंटर में लाते हैं। तो इसको जो इंस्ट्रूमेंट को जब हम लेवल करेंगे होरिजेंटल लेवलिंग करने में हम किसका ट्राइब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका फुट स्क्रू है। फुट स्क्रू मींस ट्राइब्रिज की पोजिशन को सेट करने के लिए ही हम किसका इसका उपयोग करते हैं। आपका फुट स्क्रू भी है, फुट स्क्रू की सहायता से हम ट्राइब्रिज को होरिजेंटल पोजीशंस पे सेट करने के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं, जिसमें जिसके कारण क्या होता है जो बबल है बबल हमारा किस में आ जाता है सेंटर में आ जाता है। ठीक, इसके बाद लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड को ही हम क्या बोलते हैं ट्राइवेट बोलते हैं, मींस लेवलिंग हेड ट्राइवेट के नाम से जाना जाता है और लेवलिंग हेड जो आपका है या ट्राइवेट है ये भी हमारा इस डंपी लेवल के एडजस्टमेंट में ही हम यूज करते हैं। इसके बाद जो लेवलिंग हेड के नीचे वाला हिस्सा है इसको हम किस पर ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद ही आपको ये सेट करना है। ठीक है, तो ट्राइपोड मींस तीन पैर वाला आपका एक स्टैंड होगा जिसको हम लैंड पर कहीं भी रख के जहां पर हम सर्वेइंग कर रहे हैं इसके ऊपर हम डंपी लेवल को असेंबल कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर हम रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो डंपी लेवल के कुछ पार्ट्स हैं और पार्ट्स का जो फंक्शन है और डंपी लेवल का काम है ये आपका इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद अब इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, यदि हम कहीं भी यूज कर रहे हैं तो जैसे कि आपको रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम रोड बना रहे हैं तो रोड की हमको लेवलिंग करना है, तो लेवलिंग करने से हर जगह पे क्या होता है एक समुद्र तल से ऊंचाई होती है, जो कि आप स्टेशन पे देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन वहां पर जो बोर्ड लगा होता है उसमें समुद्र तल से ऊंचाई मेंशन होती है। तो मींस जैसे कि आपके कहीं पे आपको खदान खोदना है या कहीं पे आपको मिट्टी को खोदना है और आपको प्रॉपर लेवलिंग करना है तो किस जगह पे कितनी खुदाई करना पड़ेगी उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं मेजर करेंगे। मेजर करने में इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी जहां भी आप ट्राइपोड स्टैंड को रख रहे हो वो उसकी आप एक क्या ले लोगे हाइट ले लोगे, जो कि आपकी सपोज समुद्र तल से किसी भी पर्टिकुलर जगह की 50 मीटर है
या 100 मीटर है या 120 मीटर है, वो आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। उस हाइट के बाद आपकी जो ट्राइपॉड की ऊंचाई है ग्राउंड सरफेस से, उसको प्लस कर दोगे। तो प्लस करने के बाद आपको टोटल हाइट मिल जाएगी एक स्टैंडर्ड, या आप इसमें सपोज आपको जमीन के अंदर कितना डेटम पे मींस अंदर आपको खुदाई करना है उसको भी ले सकते। यदि हमको खुदाई नहीं करना है सिर्फ लेवलिंग करना है, तो लेवलिंग यदि हम कर रहे हैं तो हम किसी एक बेंचमार्क को लेंगे, बेंचमार्क आपका एक स्टैंडर्ड पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर ट्राईपॉड को आप रखोगे और उसके ऊपर डंपी लेवल को आप सेट कर लोगे बेंचमार्क के ऊपर। सेट करने के बाद इसके बाद आप एक जमीन के सरफेस से इसकी हाइट लोगे जहां पे आप डंपी लेवल को सेट कर रहे हो ट्राईपॉड स्टैंड पे, ये ऊंचाई हो जाएगी और एक आपकी बेंचमार्क हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल आपको हाइट मिलेगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उस लेवलिंग स्टाफ को अधिक अलग अलग दूरी पर डिस्टेंस पे सीधा पकड़ के रख के, जैसे कि आप इस जगह पे इस पॉइंट पे कर रहे हैं ऐसा रख के आप टेलीस्कोप से इसकी रीडिंग देखोगे तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइंस में रीडिंग्स आपकी लिखी हुई है, आपकी फिट में लिखी हुई है, इंच में लिखी हुई है और मीटर्स में दी हुई है। तो इन रीडिंग्स को आपको नोट करना है और आपके जो डंपी लेवल जहां पे आपने बेंचमार्क है, बेंचमार्क से आपकी कितनी दूरी है फर्स्ट लेवलिंग स्टाफ की, इस पे कितनी रीडिंग्स आ रही उसको, इसके बाद आप कुछ दूरी पे और आप रखेंगे, फिर कुछ दूरी पे और रखेंगे, चार छः आप रीडिंग्स लेंगे। तो अलग अलग जगह पे आप रीडिंग्स लेंगे और रीडिंग्स लेने के बाद इसकी जो रिड्यूसिंग लेवल है RL है उसको आपको फाइंड करना है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेंचमार्क, इसके बाद जमीन से इसकी ऊंचाई डंपी लेवल की टोटल ऊंचाई मिल जाएगी, बेंचमार्क आपका टोटल ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग जगह पर लेवलिंग स्टाफ को रखते हुए रीडिंग्स फाइंड करना है। रीडिंग फाइंड करने के बाद आप लेस करते जाओगे इसकी हाइट को, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी खुदाई होना है, कितना पुराव होना है। जैसे कि आप रेलवे लाइन बना रहे हैं तो रेलवे लाइन हमेशा आप स्ट्रेट बनाते हो, ऊंची नीची नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लेवलिंग होना चाहिए। तो हमें कहाँ पे कितना मटेरियल फिल करना पड़ेगा जिससे लेवल एक यूनिफॉर्म एक जैसी आपकी लेवलिंग हो, तो इन जगहों पे जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग करते हैं और इसकी हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में जैसे कि आपका डंपी लेवल है तो डंपी लेवल के बेनिफिट या एडवांटेजेस क्या है। इट इज वेरी इजी टू यूज, डंपी लेवल को उपयोग करना काफी आसान होता है, बहुत ही इजी है। सेकंड, लेवल रीडिंग्स आर वेरी एक्यूरेट। जब हम डंपी लेवल के बबल्स को प्रॉपर सेंटर में ले आएंगे और अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड स्टैंड पे, तो इससे जो भी हमको रीडिंग मिलती है वो हमारी करेक्ट रीडिंग होती है, एक्यूरेट रीडिंग्स होती है। हाई ऑप्टिकल पावर, इसका जो रिजोल्यूशन होता है, ऑप्टिकल पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लो कास्ट एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, यदि हम दूसरे सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसकी अपेक्षा जो डंपी लेवल है ये सस्ता होता है। इसके बाद इट कैन बी यूज एनी टाइप ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा लैंड सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है, नाला है, तो हम किसी भी जगह पे इसको उपयोग कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड पे इसको उपयोग किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम थियोडोलाइट या किसी अदर्स क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।